तो आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम पहले पार्ट में केवल ये समझेंगे कि हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट अगर कहीं से जाता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम इसके थोड़े फॉर्मूले देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी में, कि हीट कितनी जनरेट हो रही है, कितनी उसमें पावर है, कितना उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप कोई भी चीज़ आप यूज करते हो डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे हम फैन ऑन करते हैं, फैन हमने ऑन किया तो उसमें आप देखो कि पहले तो हवा देता है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अगर उसको आप टच करके देखो तो गर्म हो जाता है, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया हीटिंग इफेक्ट का। अब लगभग अब हम बल्ब देखते हैं जो बाहर लगाते हैं हम, वो हमें लाइट देता है। अब नॉर्मल में अगर अब एलईडी भी देखो, वो भी थोड़ी देर बाद उसको हम जब टच करते हैं तो वो भी हमें गर्म मिलता है, हीटअप मिलता है, हीट रेट होता है वो, ठीक है। आप चाहे कितने ही आसपास अपनी चीज़ें देख लो, जो इलेक्ट्रिक करंट से जो चीज़ें चलती हैं वो थोड़े टाइम बाद वो गर्म हो जाती हैं, हीटअप हो जाती हैं, ओके। अब ऐसा होता क्यों है, हम इस पार्ट में वही समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब उसका हम जैसे देखो, हम एक देखो, ये देखो एक बल्ब है, ठीक है। उसमें एक ये फिलामेंट होता है, एक वायर होता है जो हीट होता है, जिसमें हीट जनरेट होती है, जिसे हमें लाइट चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन और जिसे हीट भी जनरेट होती है, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम यहाँ से करंट पास करवाएं तो इसमें लाइट तो हमें मिलेगी लेकिन इसके साथ हमें हीट भी मिलेगी, ठीक है। हीट भी जनरेट होगी, मतलब लाइट का जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा रहे हैं उसमें हमें लाइट के साथ हीट मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें कन्वर्ट मिलेगी, हीट एनर्जी में हमें कन्वर्ट होती हुई दिखेगी, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, है ना। हम इसमें पहले सबसे पहले देते हैं कि ऐसा होता क्यों। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अपने आसपास, आयरन ले लो, कूलर, फैन, एसी, टीवी, कुछ भी ले लो, सब में यही फंडा होता है, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसमें होता क्या है, ठीक है। यहाँ एक हम किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास एटम, इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का देखें तो हमारे पास एटम, इलेक्ट्रॉन्स, अगर देखें तो प्रोटॉन्स, ये भी हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन है हमारे पास, ये सब कुछ होता है। अब आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें लाइट चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसका एक डायरेक्शन में फ्लो करना जरूरी होता है, उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। वैसे तो ये रैंडम पोजिशन में होते हैं, ठीक है। हम वैसे अगर रेस्ट में देखें तो ये वैसे तो रैंडम पोजीशन में होते हैं ना, लेकिन हमें अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें इसका एक डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कुछ एनर्जी देते हैं, यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से जब इसको हम कुछ एनर्जी देते हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, हम यहाँ पर इसको कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इस जो भी हमारे पास है, जो भी मान लो जी जैसे आयरन हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन्स, एटम, सभी कुछ है। अब ये क्या करते हैं, जैसे इसको एनर्जी मिली, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स की तरह मान लो इनको, ये आपस में ये जिग जैग मोशन करते हैं, ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ पर, हमें एक डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या होता है कि ये अगर इसको यहाँ पहुँचना है तो ये ऐसे तो नहीं सीधा पहुँच जाएगा, ये जिग जैग मोशन में यहाँ आएगा, कभी इससे टकराता हुआ आएगा, कभी इससे टकराता हुआ आएगा, इसका कोलिजन होता रहेगा, कोलिजन, ओके। यहाँ ये कोलिजन के थ्रू हमें यहाँ मिलेगा ये, ठीक है, मतलब कोलाइड होता होता फिर हमें यहाँ मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। अब इसके पास पहले थोड़ी सी इसके पास थर्मल एनर्जी होती है,
या हम आगे बढ़ेंगे जब हम थोड़ी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे। तो इसको थोड़ी सी थर्मल एनर्जी होती है इनके पास, और यहाँ से हमने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इस बैटरी के थ्रू हमने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। अब होता क्या है, उस आयरन के अंदर, मानो ये आयरन है ना हमारे पास, उसके अंदर का ये है, कोई भी हम जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसके अंदर का मामला ये हमें इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सभी का, ठीक है। अब ये इसको इस डायरेक्शन में जाना है, हमें करंट चाहिए, तो ये सबसे कोलाइड होता जाएगा। अब ये जब इससे कोलिजन हो रहा है इसका, इन दोनों का आपस में, तो ये कुछ हीट रिलीज करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है ये, ठीक है ना। ये इससे टकराएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब डेली लाइफ में हम देख लेते हैं, जैसे हम जैसे दो पत्थरों को आपस में जब टकराते हैं, कोलाइड करवाते हैं, तो कुछ स्पार्क हमें दिखता है, वही सेम टू सेम वही कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इससे टकराए तो कुछ रिलीज करेगा, इससे टकराएगा तो कुछ रिलीज करेगा, ऐसे कोलाइड होता होता ये रिलीज करता हुआ यहाँ पहुँचेगा। अब जहाँ जो इसने यहाँ जो एनर्जी रिलीज की है, वही हमें हीट के रूप में दिखती है, ठीक है। वही हमें हीट के रूप में दिखती है कि वही वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, किसमें, हीट एनर्जी में, कुछ हीट एनर्जी में हो जाती है और बाकी हमें मिल जाती है, ठीक है। ये सभी का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो आपस में कोलाइड होते हैं ना, उसके कारण हमें वो हीट नज़र आती है, ठीक है। तभी हम कोई कहीं भी करंट पास करें तो इसी कारण हमें वो हीट नज़र आती है, क्योंकि आपस में इनका कोलिजन होता है, ठीक है। तो ये हमें कोई भी हम चीज़ ले लो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि हीट जनरेट क्यों होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास हीट क्यों जनरेट होती है, उसका रीज़न ये होता है कि आपस में इनका कोलिजन होता है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तब हमें जाके वो हीट या करंट मिलता है, जिसके साथ हमें हीट भी फ्री मिल जाती है, ठीक है। इस हीट का एडवांटेज हम जैसे आयरन यूज़ करते हैं, या टोस्टर यूज़ करते हैं, माइक्रोवन यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें हीट हमें काम यूज़फुल होती है, लेकिन इसका वेस्टेज भी बहुत होता है। जैसे हम फैन, एसी, कूलर ये यूज़ करते हैं हमें कि मिले, ये हमें ठंडी ठंडी हवा मिले, लेकिन उसके अंदर ये जो हीट जनरेट होती है वेस्टेज के रूप में जाती है, इसका कोई यूज नहीं होता। वो हम जो हमें एनर्जी मिली है उसका वेस्टेज का रूप भी होता है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। ये होता है हीटिंग इफेक्ट किसी भी करंट के अंदर क्यों होता है, ये हम पार्ट वन में हमने इसको ये डिस्कस किया है। अब पार्ट सेकंड में इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इनका क्या क्या यूज होता है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही।